गाइज वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम्स। मेजर लीग सॉकर का एक मैच होने वाला है सीटल साउंडर्स वर्सेस सीएफ मॉन्ट्रियल के बीच, जो कि खेला जाएगा 8:11 पे। एक्चुअली ये यूएसए की टाइमिंग के हिसाब से हमारे यहाँ 8:11 पे हो रहा है। आपको लग रहा होगा थोड़ा अजीब, लेकिन आप ये समझो कि 8 बजे है, 10 मिनट एक्सटेंडेड मान लो, ठीक है, फिर आप जल्दी उठ जाओगे आराम से। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो देखो भाई, सीटल साउंडर्स और मॉन्ट्रियल में वी हैव टू फेवर बोथ। सीटल साउंडर्स टीम की तो मैं इज्जत कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं मॉन्ट्रियल को बहुत अच्छी टीम मानता हूँ। आप ये लगा लो, अगर मेरे को यहाँ पर 7-4 का कॉम्बिनेशन भी बनाना पड़ता ना, तो आई थिंक मैं बोलता ना। लेकिन एक बार ना सीटल साउंडर्स की वो पुरानी छवि मेरे आंखों के आगे आती है कि ये टीम क्या हुआ करती थी और क्या हो गई, तो मैं इनकी इज्जत कर लेता हूँ, नहीं तो मैं आज ऐसा इसको फेवर ना करता, लेकिन जो इनके हालात हैं। लेकिन ठीक है भाई, डबल साइड बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बढ़ते हैं आगे। देखो सबसे पहले तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा था कि मॉन्ट्रियल की स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, तो मैं स्ट्राइकिंग की ओर सबसे पहले जाकर एम को कैरो को लूँगा। इस बंदे ने किसी भी टीम में डिसअपॉइंट नहीं किया किसी भी मैच में। आप ये लगा लो 11 मार्च को मियामी के अगेंस्ट एक गोल, उसके बाद एक मैच हुआ तब भी इसने एक आध गोल किया, फिर एक अभी हाल ही में एक मैच हुआ था 2-4 दिन पहले, उसमें इस बंदे ने 2 गोल किए, दोनों पेनल्टी गोल थे। मतलब पेनल्टी टेकिंग से लेके हाईएस्ट गोल रेशियो तक सब जगह इसका नाम है, पूरी टीम का हीरो है ये, और होना भी चाहिए भाई। एंड आगे से अगर बात करें, देखिए जे मार्टिनेज को यहाँ पर आप ले सकते हैं क्योंकि जोसेफ मार्टिनेज इज़ अ गुड प्लेयर, बट इतना है कि प्लेइंग 11 में होना चाहिए, विदाउट प्लेइंग 11 तो कोई भी नहीं लेगा। तो प्लेइंग 11 में अगर दिखे तो ले लो। और ऑपोजिशन टीम की बात करें, रुइडीज़ को लेंगे। रुइडीज़ बहुत पुराना प्लेयर है, जब ये टीम फॉर्म में हुआ करती थी तब रुइडियाज़ अंधाधुंध गोल करता था, बेचारा डाउन हो गया है, पहले बहुत अच्छा था यार, बहुत। मतलब आप ये लगा लो अगर ये बंदा मैच में है ना, तो कोई भी बंदा इसको कैप्टन रखे बिना जाता नहीं था, और आज यही बंदे को हम लोग कैप्टन नहीं रखने वाले, तो इसको कहते हैं थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है प्लेयर का। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, तो फिर मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर देखो भाई, रूशनैक को लो, ठीक है। आप ना रूशनैक के साथ इनका एक प्लेयर है, कहाँ गया भाई, अबे टीम छोड़ दी यार, बहुत मेन प्लेयर हुआ करता था इनका एसएस टीम का, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बहुत मेन, हाँ एन लोडीरियो, दिखा नहीं मेरे को एन लोडीरियो, आई थिंक टीम से ड्रॉप आउट हो गया। हो, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है इनके लिए भाई, मेरे लिए नहीं इनके लिए, क्योंकि रूशनैक और लोडीरियो की बहुत जमती थी। फिर ये एलचू आया, आई थिंक ये अच्छा कर सकता है, लियूचू बट एक स्ट्राइकर है, तो मैं रोल्डन को लूँगा क्योंकि मेरे को प्रॉपर मिडफील्डर चाहिए भाई, स्ट्राइकर तो ऑलरेडी मैंने ले लिया है। एंड ऑपोजिशन टीम की बात करें, देखिए उनकी टीम में कुछ खास प्लेयर नहीं है इन मिडफील्डिंग, उनकी मिडफील्डिंग कमज़ोर है, हमेशा जब भी कभी मैच हारती है एमटीएल तो अपनी मिडफील्डिंग के कारण हारती है। तो अभी आप लापालेनियन को लो, उसके बाद आप डिफेंडिंग सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर मैं लूँगा सबसे पहले देखिए ऑपोजिशन टीम के टोलो को, और टोलो बाद जो बाकी मेरे जो 3 प्लेयर होंगे वो होंगे ऑपोजिशन टीम के। पहला है एल्वरेज, दूसरा मेरा कैम्बेल, वाटरमैन को मैं तभी नहीं ले रहा क्योंकि मैंने कैम्बेल ले लिया, और सीधा 4 डिफेंडिंग में आर एडवर्ड्स, तो ये मेरे प्लेयर डन है। एंड बात करें गोल कीपिंग की, देन ए थॉमस अगर खेला, अगर थॉमस नहीं खेला तो फ्री लूँगा, एक्चुअली एस फ्री ज़्यादा अच्छा है दोनों में से। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है यहाँ पर हमारा कैरोको, एंड वाइस कैप्टन जो है वो हमारा हो सकता है ऑपोजिशन टीम का रुइडियाज़। तो ये हमारी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।